तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक के एक नए ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप इस टाइप के वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, आपके वीडियो में इसी का ट्यूटोरियल जानने वाला है। प्ले स्टोर से या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इसके बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर और मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ इस टाइप का वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने का जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा वीडियो जो है 6 सेकंड के आसपास वीडियो जो है शूट है, तो आपको भी 6 सेकंड के आसपास वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद थोड़ा सा 1.7 या 1.8 के आसपास आना है, और इसके बाद इस वीडियो को आपको स्प्लिट कर देना है। तो वीडियो जो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, सेकेंड वाले वीडियो को क्लिक करना है। इसके बाद कलर फिल्टर में आना है, आपको मिल जाता है ब्लू कलर से ऊपर एक ग्रीन कलर, वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें वीडियो कलर पे क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पे आना है, और यहाँ पे हमें सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सही तरह से एडजस्ट हो चुका है, तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो को हमें कर देना है एक्सपोर्ट। कर लेना है बैक। बैक करने के बाद फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है, और इसके बाद मैंने एक गूगल से इमेज का डाउनलोड किया था, आपको भी डाउनलोड कर लेना है, और इसको इस इमेज को आपको 6 से 7 सेकंड के आसपास कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो जो है हमारा है जो छोटा बड़ा हो रहा, तो फिर से हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ़ोटो जो है छोटा बड़ा जो हो रहा था बड़ा नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो साइज वीडियो जो था फुल साइज में हो चुका है, इसे हम ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं हमारा बिल्कुल जो है बैकग्राउंड और प्लस वीडियो दोनों सेम हो चुका है। आपको यहाँ पर देखना है जहाँ से हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट होता है, तो हमारा वीडियो के लेयर वाले पे हमें स्प्लिट कर देना है। तो वीडियो जो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्रोमाकी को इनेबल कर देना है, और यहाँ पे हमें सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो एक सेलेक्ट करना है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कैंची के निशान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। इस वीडियो में से जो आइडियो है बाहर आ जाएगा, इस आइडियो को प्रेस करके रखना है और लास्ट तक लेकर आ जाना है। और यहाँ पर हमारा वीडियो काम हो चुका है, तो वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। और इसके बाद फिर से हमें वीडियो पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें HD 720p और 30 सेकंड करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और यहाँ पे हमारा वीडियो जो है तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप टिकटॉक पे शेयर वाली वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पर अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।